हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ इस बनी ईयर प्लांट के साथ। इट्स अ टाइप ऑफ कैक्टस और हम इसको करेंगे ट्रांसप्लांट इसके न्यू हाउस मींस न्यू पॉट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें डायरेक्टली हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि इसकी सरफेस पे छोटे छोटे स्पाइंस या कह सकते हैं कांटे लगे होते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। अगर ये हमारी स्किन में लग जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं और बहुत महीन होने की वजह से स्किन के अंदर भी जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। बट बिकॉज ऑफ इट्स लुक आई ब्रिंग इट टू माई होम। तो चलिए करते हैं इसका ट्रांसप्लांटेशन। तो इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगी सेल्फ वाटरिंग पॉट में। वॉट इज़ द बेनिफिट फॉर इट? यू नो वेरी वेल, क्योंकि सेल्फ वाटरिंग पॉट में एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर फास्टली सीप आउट होकर ट्रे में कलेक्ट हो जाता है और आपके प्लांट को कभी भी कोई भी डैमेज नहीं होगा। और जैसा कि एक सक्यूलेंट प्लांट है तो इसके लिए हमें लेनी है सैंडी सॉयल जो वाटर को रिटेन ना करे और इसकी रूट्स को रॉट ना होने दे। और ये प्लांट आप इंडोर, आउटडोर, शेडी एरिया, सनी एरिया कहीं पर भी ईजिली रख सकते हैं। इट विल सर्वाइव डेफिनेटली। बस आपको ध्यान क्या रखना है, प्लांट का वाटर लेवल। और हम देख सकते हैं इस प्लांट की रूट्स अच्छे से डेवलप हैं, क्योंकि ये कैक्टस प्लांट है तो कैक्टस में रूट्स काफ़ी लंबी मिलती हैं। और ये देखिए छोटे से प्लांट में अच्छे से रूट डेवलप हैं। और इसको मैं लगा रही हूँ अभी एक स्मॉल पॉट में ही। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि अगर अभी मैं इसे एक बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी तो क्या होगा, वहाँ पर पानी ज़्यादा रिटेन रहेगा। तो प्लांट की जितनी रूट डेवलप है उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। छोटे प्लांट को ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने से प्लांट डैमेज हो सकता है डेफिनेटली। और ये देखिए हमारे बनी का एक ईयर, ये थोड़ा ब्रेक हो गया है क्योंकि ये प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया था। बट नॉट टू वरी, इस छोटे से ईयर से हम फिर से एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन के टाइम हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी होती है कि चाहे प्लांट कोई भी हो, हमें उसे प्रॉपर वाटरिंग करनी है, क्योंकि वो एक न्यू एनवायरनमेंट में आ रहा है तो उसकी रूट्स बिल्कुल भी ड्राई अप नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से वाटर कर दें। यू नो इट हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो अ न्यू प्लांट। यस, अगर हम इसको सॉइल में प्रॉपर एनवायरनमेंट दें तो ये रूट डेवलप कर सकता है और एक न्यू प्लांट में ग्रो हो सकता है। सो आई एम पुटिंग इट इन द सॉयल विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड होपफुली इट विल ग्रो एज अ न्यू वन। एंड ऑफ कोर्स आई विल अपडेट यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। और एक सब्सक्राइब लाइक तो बनता ही है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।